विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर का विरोध किया जा रहा है। एफआईआर के विरोध में एसपी कार्यालय पहुंचे कांग्रेसी नेता, पूर्व ऊर्जा मंत्री समेत कांग्रेस कार्यकर्ता एसपी कार्यालय पहुंचे। एसपी कार्यालय पहुंचकर एफआईआर रद्द करने की मांग कांग्रेस के दिग्गजों की ओर से की गई है। 9 जुलाई को बता दें राजगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई थी। बीजेपी नेता अंशुल तिवारी ने एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन अब कांग्रेस लगातार इसका विरोध करती हुई नजर आई, क्योंकि बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता एसपी कार्यालय पहुंचे। ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। भैया इसमें एक बहुत सिंपल सी बात है कि ये जो घटना है एक ट्वीट था, ठीक है, एक ट्वीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने यहाँ पे एफआईआर दर्ज करवाई दिग्विजय सिंह जी को। इसी बात की एफआईआर अन्य जिलों में भी दर्ज हो चुकी है और सबसे पहली एफआईआर अब ऐसा बताते हैं शायद इंदौर में दर्ज हुई है। तो जहां भी एक चीज की एफआईआर दर्ज हो चुकी है वहां राजनीतिक नंबर बढ़ाने के लिए जो छुड़वैया नेता लोग हैं वो एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और पुलिस दर्ज करे जा रही है। अब जितना समय पुलिस ने दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में लगाया, आम आदमी अगर चला जाता है, ये तो मैंने और भी आपको घटनाओं की बात की, आम आदमी भी अगर थाने में जा रहा है तो उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती। सही एफआईआर लिखवाना चाहता है तो उसको चक्कर काटने पड़ते हैं पांच पांच। और एक ट्वीट जिसके बारे में दूसरी जगहों पर एफआईआर हो चुकी है वहां पे एफआईआर कर रहे हैं राजगढ़ जिले में।